जहां राम मंदिर के लिए आज से धन संचय अभियान की शुरुआत हुई है। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन मंत्री विनायक राव देशपांडे इस वक्त सीएम हाउस पहुंचे और सीएम शिवराज ने कुछ देर पहले ही उनसे मुलाकात की और मंदिर निर्माण के लिए 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी है, डोनेट किए हैं 1 लाख रुपए। विनायक राव देशपांडे को 1 लाख रुपए मुख्यमंत्री ने दिए हैं। बता दें आपको, विनायक राव विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन मंत्री हैं और ये देखिए आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात हुई, उनसे सीएम हाउस मिलने पहुंचे थे विनायक राव और 1 लाख रुपए का ये चेक सौंपते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। आज से मुख्यमंत्री ने धन संचय निधि अभियान की शुरुआत भी की है क्योंकि 2024 तक मंदिर निर्माण पूरा करना है, इसका लक्ष्य भी रखा है। अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनी तरफ से 1 लाख रुपए दिए हैं, धन संचय अभियान शुरू किया है। देश भर के करीब 5.5 लाख गाँव तक ये ट्रस्ट पहुंचने की कोशिश करेगा, राशि एकत्रित करने की कोशिश करेगा। आज का दिन मेरे जीवन का सबसे सौभाग्यशाली दिन है, ऐसा लग रहा है जैसे मानव जीवन सफल हो गया, सार्थक हो गया। भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण में एक ईंट हमारे परिवार की भी लगेगी। राम मंदिर नहीं, सचमुच में राष्ट्र मंदिर है। राम हमारे अस्तित्व हैं, राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे प्राण हैं, राम हमारे भगवान हैं और राम श्री राम जी भारत की पहचान है। बिना राम के ये देश नहीं जाना जा सकता। राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं और ये सौभाग्य है कि अब भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण जन सहयोग से प्रारंभ हो रहा है और उसमें गिलहरी की तरह